हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो दोस्तों, आज हम लोग जा रहे हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और सुबह के बज रहे हैं 5 और बिल्कुल बाहर सड़कों पे अंधेरा हो रहा है। तो अभी हम लोग निकलेंगे कहाँ से, एक्सप्रेस हाईवे से। तो दिखाते देखिए टाइम क्या हो रहा है सुबह का। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं सुबह के बज रहे हैं 5, तो हम लोग निकलते हैं स्टेशन के लिए। सो फाइनली फ्रेंड्स, हम लोग निकल चुके हैं और हमारी घड़ी जनरली आधा घंटा आगे रहती है, तो 5 बजे मान के चलिए 4:30 बजे हम लोग घर से निकले हैं। अंधेरा है बिल्कुल, गली में कोई भी नहीं है। अभी हम लोग आ चुके हैं मेन रोड पे, मतलब दिल्ली मेरठ हाईवे पे। तो यहाँ पर देखिए रैपिड रेल का जो काम चल रहा है बहुत तेज़ी से चल रहा है। पहले यहाँ पर सड़कें टूटी फूटी थी, अभी फिलहाल इन्होंने काफ़ी रिपेयर कर दिया है, जिसके कारण हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही है। लेकिन अभी हम फिलहाल जा रहे हैं रॉन्ग साइड से, क्योंकि है ना, इन्होंने जो लेफ्ट साइड वाला लेन है वो बंद कर रखी है। तो अभी हम जा रहे हैं राइट साइड से ही, वहीं से जाना है और वहीं से लोगों का सामने से आना है। तो बड़ी सावधानी से जाना पड़ता है, क्योंकि सुबह सुबह है ना, कई लोग बिल्कुल तेज़ी से आते हैं सड़कें खाली देखकर, और उनको पता नहीं होता कि डाइवर्जन दे रखा है यहाँ पर, लेफ्ट साइड की रोड बंद है और राइट साइड की खुली हुई है। तो अब देखिए हम वापस से जा रहे हैं अपने लेफ्ट लेन में, क्योंकि यहाँ से हमारा कट खुला हुआ है और पीछे से जहाँ से हम आए थे वहाँ से रास्ता बंद कर रखा था इन्होंने। पीछे जब हम आ रहे थे तो बीच में डिवाइडर लगा रखे थे, जो प्लास्टिक का डिवाइडर था वो लगा रखे थे। हमने क्या करा, मैन्युअली उसको हटा कर फिर हमने भाई साहब गाड़ी वहाँ से डाल दी। ये हमारी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि आगे जाके हमने देखा तो रास्ता बनता था, इसलिए हमें वापस से क्या करना पड़ा, पीछे जाके वापस हमें फिर वही राइट साइड से होकर आना पड़ा। दिन में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक यहीं पर ही होता है, क्योंकि ये है माधवपुरम का कट। और आप मेरे लेफ्ट साइड में देखेंगे कि बजरंगबली का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर देखिए सुबह सुबह। हम लोग फिर से आ गए हैं राइट साइड की लेन में, और ये देखिए बीच में इस प्रकार से डिवाइडर लगा रखे हैं, हमें फिर से जाना है लेफ्ट साइड की लेन में। अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं प्रतापपुर रेलवे स्टेशन वाला जो रास्ता है वो क्रॉस कर रहे हैं, जहां से हम जनरली ट्रेन पकड़ते हैं। सुबह के समय सिर्फ इक्की दुक्की ही गाड़ी दिख रही है, बाकी कुछ नहीं है। तो हमने अभी ले लिया है यू टर्न प्रतापपुर से, क्योंकि अगर सीधे चले जाते तो पहुंच जाते मोदी नगर, तो हमें बीच में कटा था, वहां से हमने लिया यू टर्न। और देखिए सामने अगर सीधा चले जाएंगे तो पहुंच जाएंगे आप मुजफ्फरनगर, हरिद्वार, ऋषिकेश। लेकिन हमने लिया लेफ्ट वाला लेन और यहां से हम चढ़ गए सीधा हाईवे पे, जो हमें ले जाएगा सीधा नई दिल्ली, बशर्ते हम कहीं लेफ्ट राइट कहीं ना मुड़े, क्योंकि हमें बीच के लेन से जाना होगा। अगर आप लेफ्ट साइड के चक्कर में पड़ गए तो कहीं और निकल जाएंगे, क्योंकि बीच में आपका आएगा ईस्टर्न पेरिफेरल कट और मोदी नगर का कट भी, तो वहाँ पर हमें नहीं जाना है, हमें जाना है स्ट्रेट अवे दिल्ली। तो हम पकड़ेंगे बीच की मेन लाइन। तो अभी हमारे सामने आने वाला है टोल, ये देखिए सामने से जा रहा है रैपिड रेल का पुल सामने। इस पर कई बार ट्रायल हो गया, हमने कई बार इस पर रैपिड रेल देख ली है यहाँ पर। सड़कें बिल्कुल खाली हैं और रास्ता एकदम नीट क्लीन। और देखिए सामने आ गया हमारा टोल प्लाजा, और वो भी बिल्कुल खाली है। नहीं तो आम तौर पर यहाँ पर लंबी लंबी लाइन लगी रहती है गाड़ियों की, जल्दी से खुलता ही नहीं है गेट यहाँ का। तो हमने कर लिया है टोल को पार, और यहाँ देख सकते हैं पूरा आधी से ज़्यादा तो भाई साहब यहाँ आजू बाजू में ट्रक और बसें खड़ी हुई है यहाँ पर। तो सीधे चलते हैं। लास्ट वीडियो में हमारे भांजे हमारे से चले थे, जो कि काफ़ी डर गए थे, तो आप लोग वो वीडियो जाके जरूर देखना। सेम वही सीन फिर से यहाँ क्रिएट हो रहा है, बिल्कुल हॉरर मूवी वाला। इसी एक्सप्रेस वे के ऊपर आपने पीछे देखा था कि रैपिड रेल का पुल था, और यहाँ पर आप देखिए ये आ गया है रेलवे का ब्रिज। यहाँ पर से रेलवे की ट्रेन गुजरती है, जो कि इक्की दुक्की गुजरती है यहाँ से, वो भी सिर्फ मालगाड़ियाँ। वो देखिए सामने आ गया है मोदी नगर वाला कट, जिसको बोलते हैं भोजपुर वाला कट भी। अब धीरे धीरे बोर होने लग गई है, सुबह होने लग गई है, और देखिए कितना सुंदर वातावरण दिखाई दे रहा है भाई साहब एकदम। सो फ्रेंड्स, हम लोग आ गए अभी ईस्टर्न पेरिफेरल के जस्ट बगल में खड़े हैं हम लोग। ये पीछे आप देख सकते हैं ईस्टर्न पेरिफेरल का रोड जा रहा है, मानेसर वगैरह कहीं जाना हो तो उसके लिए आप यहाँ से कट लीजिएगा। देखिए सामने लिखा हुआ सोनीपत बागपत के लिए लेफ्ट साइड में आपको एग्जिट लेना है। सुबह सुबह का वातावरण इतना बढ़िया लग रहा है कि जाने का मन नहीं कर रहा, लेकिन जाना पड़ेगा। आज पहली बार ड्राइविंग करने में अच्छा लग रहा है, बिल्कुल निश्चिंत होकर हम लोग गाड़ी चला रहे हैं, क्योंकि कोई ट्रैफिक नहीं है, कोई भीड़ भाड़ नहीं, और रास्ता एकदम साफ क्लियर चिट। और फाइनली हम लोग आ गए हैं दिल्ली के अंदर में, और यहाँ से कुछ ही दूर पे हम पहुँच जाएंगे सीधा इंद्रप्रस्थ मेट्रो स्टेशन के पास में। तो ये देखिए यहाँ का रास्ता भी बिल्कुल साफ है, आमतौर पर यहाँ पर काफ़ी ट्रैफिक जाम रहता है।
फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं मंडी हाउस स्क्वायर पे और हमने गाड़ी को पार्क कर दिया है बंगाली मार्केट में, जैसे हमने लास्ट टाइम किया था वैसे मैंने वैसे रिपीट करा। तो मंडी हाउस से हम लोग आ गए यहाँ पर सीधा केजी मार्केट कस्तूरबा गांधी मार्केट की तरफ में, और यहाँ से हम जा रहे हैं सीधा ऊपर ललित होटल के सामने से निकलेंगे नई दिल्ली स्टेशन की तरफ में, क्योंकि हमें जाना है फिर से वहीं अजमेरी गेट की तरफ। और अगर हम यहाँ पर टर्निंग नहीं करते स्ट्रेट जाते तो सीधा पहुँच जाते हैं कनॉट प्लेस। और ये देखिए कितनी ऊंची बिल्डिंग है, ये है ललित होटल, काफ़ी बड़ा होटल है ये देखिए। तो फ्रेंड्स फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे और सुबह के बज रहे हैं 7 और टाइमली हम लोग पहुंच गए यहाँ पर। लास्ट वीडियो में हमने आपको दिखाया था यही अजमेरी गेट के नई दिल्ली स्टेशन का दृश्य रात के समय का, और ये देखिए सेम वही लोकेशन है लेकिन दिन का टाइम का। तो हम लोग फाइनली आ चुके हैं स्टेशन के अंदर परिसर में, और ये देखिए काफ़ी बड़ा स्टेशन है यहाँ पर, ये देखिए काफ़ी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं नीचे, और सुबह का दृश्य है बिल्कुल सामने देख सकते हैं वो है पार्किंग। तो एस्केलेटर से हम लोग आ चुके हैं ऊपर, और ये देखिए ऊपर का दृश्य दिखाते हैं, काफ़ी मनमोहक दृश्य है यहाँ का। तो फ्रेंड्स अभी पता चला है कि अभी ट्रेन 1 घंटा लेट है, तो हमें अभी और इंतज़ार करना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स शुक्र है कि हम अपना मंथली MST पास लेकर आए थे, वरना हमें प्लेटफॉर्म टिकट लेने के लिए लाइन में लगना होता। सो हम लोग फैमिली को रिसीव करके जा रहे हैं सीधा मंडी हाउस पे अपनी गाड़ी के पास। दोस्तों ट्रेन आई 8:40 पे, काफ़ी लेट हो गई जिसके कारण अब काफ़ी धूप हो गई है। सो फ्रेंड्स स्टेशन पे 1 घंटे से ज़्यादा हमें टाइम अकेले ही काटना पड़ा, क्योंकि ट्रेन लेट थी जिसके कारण हमें अकेले ही स्टेशन पे टाइम काटना पड़ा, लेकिन फिर भी हमारा टाइम आराम से कट गया क्योंकि स्टेशन पे बोर नहीं होता आदमी। तो हम जा रहे हैं अपने घर को वापस। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और हाँ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।